नमस्कार। खबर जोधपुर से। जोधपुर के कीर्ति नगर इलाके से एक बेहद ही दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर घर में रखे एक गैस सिलेंडरों में आग लग गई और लगातार एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा धमाके हो गए। आपको बता दें, इस हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कीर्ति नगर इलाके का ये पूरा इलाका, पूरा मामला जो है ये कीर्ति नगर इलाके का बताया जा रहा है। भोमाराम लोहार गैस के सिलेंडरों का काम करता था। भोमाराम अपनी पिकअप गाड़ी लेकर जब घर पहुंचा था तो उसमें कुछ गैस सिलेंडर रखे हुए थे और वहीं कुछ गैस सिलेंडर उसके घर में भी मौजूद थे, जिन सिलेंडरों में अचानक से आग लग गई और एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा धमाके हो गए। घर में मौजूद लोग धमाकों में झुलस गए और आपको बता दें, उन्होंने धमाके होने के बाद घर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक वो घर से भागे तब तक वह पूरी तरह से झुलस चुके थे और 4 लोग घर के अंदर ही अपना दम तोड़ चुके थे। वहीं 16 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसके इमरजेंसी वार्ड में उन लोगों का इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, विधायक मनीष पवार, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा और पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ सहित सभी अधिकारी महात्मा गांधी अस्पताल में पहुंच चुके हैं और सभी डॉक्टरों को सारे ही घायलों का उचित और सही इलाज करने के दिशा निर्देश सभी अधिकारियों द्वारा दे दिए गए हैं। माता का नीचे थाने के अंतर्गत जो आता है इसमें आज एक दुर्घटना हुई जिसमें कुछ जो सिलेंडर्स हैं उनमें विस्फोट हुआ और ये जो जिनका घर था वो अभी जो सिलेंडर्स का जो परिवहन करने का काम करते थे उनके घर में कुछ सिलेंडर्स रखे थे जिनमें ये विस्फोट हुआ और इनके जो परिवारजन हैं उनको कुछ जनहानि हुई है। वो हम लिस्ट अभी तैयार कर रहे हैं। जो घायल हुए थे उनको हमने तुरंत अस्पताल में भिजवा दिया। प्राथमिकता के तौर पर हमने यही दो चीज़ें रखी हैं कि सबसे पहले घायल है वो उपचार हेतु हॉस्पिटल जाए और उसके बाद आगे कोई विस्फोट ना हो तो उसकी हमने पूरी अपने जो सिविल डिफेंस टीम, एसटीआरएफ टीम, लोकल पुलिस थाना, नगर निगम सभी पूरा पुलिस और प्रशासन मिलकर आगे कोई उसकी दुर्घटना बढ़े ना उस चीज़ की पूरी प्रयास प्रथम दृष्टि अगर देखा है तो कितने गैस सिलेंडर मिले थे और कितनी कैजुअलिटी अब तक हुई और कितने घायलों को पहुँचा दिया गया। अभी उस चीज़ की हम पुष्टि कर रहे हैं। जैसे ही पूरी कोई आपको जैसे ही कुछ हमारे पास आंकड़े आए हम आपको बता देंगे। तो आग लगने की घटना का कोई कारण अब तक प्रथम दृष्टि पता चल पाया, क्या घटना, क्या कारण है? इसलिए अनुसंधान का विषय है अभी। इसमें जो रहा है थोड़ा बहुत जो पता चला है अभी प्रथम दृष्टिया यही है कि सिलेंडर्स में से यहाँ पर ट्रांसफर जो गैस होती है वो निकाल और दूसरे गैस सिलेंडर में ट्रांसफर कर रहा है, उसी दौरान ही दुर्घटना। मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी परिवहन करते हैं, जो भी गैस डीलर्स हैं, कृपया इस तरह आप रेजिडेंशियल एरिया में अपने मकान में कहीं पर भी इतने गैस सिलेंडर्स ना रखें। इससे कभी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें हम हमारे परिवारजन को नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल अवैध है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आप कोई भी इस तरह का काम ना करें जो गैर कानूनी हो, अन्यथा अब हम इस बात पर पूरे सख्ती से हम आएंगे कि कोई इस तरह की हमारे पास कोई सूचना आती है तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मेरा सभी आमजन से भी अनुरोध है कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई इस तरह से अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखता है तो उसकी सूचना हम तक जरूर पहुंचे। क्या है अंदर गैस बता दें? गाड़ी है, काफी भीषण आग लगी और हादसा हुआ है, उसमें काफी लोग घायल। मकान तो है यार। अभी स्पष्ट तो मैं आपको बता दूँ सभी को अस्पताल बताया गया है, महात्मा गांधी अस्पताल ही जा रही हूँ और वहाँ जाकर हम स्पष्ट हमें पता लगेगा कि कितनी कैजुअलिटी अगर कोई हुई है तो अभी जानकारी हमें स्पष्ट है नहीं और अस्पताल जाकर हम बता पाएंगे कि कितने परसेंट किसी झुलसने के झुलसने से। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे। देखिए, कीर्ति नगर में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है इसमें अभी तक जो कंफर्म्ड न्यूज़ है 4 कंफर्म्ड डेथ्स हैं और 16 इंजर्ड हैं जिनका इलाज एमजीएच में भी चल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी मेरे से बात करके फीडबैक लिया पूरा, हमने पूरा बताया उनको, और हमारी डॉक्टर्स की टीम सब यहाँ पे मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी सब हैं, और परिजनों से लगातार संपर्क में हम, और इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी या किसी भी प्रकार का कोई छूट हम नहीं देंगे, और ये जो हादसा हुआ है इसकी भी फिर जाँच करनी चाहिए।